झारखंड के जिला सिमडेगा के बानो प्रखंड में दुर्गा पूजा का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। बानो के शक्ति उपासक लगभग 6 दशक से दुर्गा पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। दुर्गा पहाड़ी के संबंध में लोगों से मिली जानकारी के अनुसार यहां सप्तमी को ही दर्शनार्थियों के लिए खोला जाता है। यहां संधि पूजा अष्टमी नवमी में कई भक्तों द्वारा बकरे तथा कोहड़ा की बलि चढ़ाई जाती है। कई श्रद्धालु मनोवांछित फल की प्राप्ति हेतु बकरे की बलि चढ़ाते हैं। दुर्गा के भक्त थे। तत्कालीन रातू के राजा इन लोगों की जमीनों को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। मान्यता है कि माता दुर्गा के प्रभाव के कारण राजा के सिपाही इन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने में असमर्थ हो जाते थे। गुरु सिंह और वंजस मंगन सिंह ने बताया कि अगर कहीं खेतों में धान कटा होता तो राजा के सिपाहियों की नजर नहीं आता। कोई खेत में घुसता तो रात भर ही खड़ा रहता। कुछ दिनों बाद परिवार में अशांति होने लगी। इसी क्रम में एक दिन 1965 में दोनों भाइयों ने माँ दुर्गा को कोंगसोर जोल्डा के आवाहन करके सिमडेगा बानो लाया गया, परंतु किसी कारणवश अनिष्ट होता रहा। बाल बच्चे समय से पूर्व मरने लगे। इसी समय राउरकेला रांची रेलखंड का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें माता भक्त कृष्णाचार्य का बानो आगमन हुआ। वे भी माँ शक्ति के परम उपासक थे। कर्मा सिंह और गुरु सिंह के दुखों को देखते हुए माँ दुर्गा को वर्तमान बानो रेलवे स्टेशन के समीप पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया और तब से इस पहाड़ी का नाम दुर्गा पहाड़ी पड़ा। यहां पर बानो प्रखंड स्थित कामडारा रनिया थाना क्षेत्र के श्रद्धालु गण भी अनुवांछित फल प्राप्ति के लिए यहां आते हैं। तब से मेला तथा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए साधारण रूप से पूजन कार्य किया जा रहा है। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य कौशलेश दुबे ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से मंदिर में पूजन करते आ रहे हैं। लोग बड़ी भक्ति के साथ यहां पूजन के लिए आते हैं। प्रशासन के निर्देश अनुसार भक्तों की लाइन के लिए सीढ़ी पर निश्चित दूरी बनाई गई, जहां से भक्त माता का दर्शन करने के लिए आएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। एक बाद जैसे उनकर हुआ हाथ रहे तो उनकर रहते रहते यहाँ जगह निश्चय करल गलक ठो मिस्त्री अलग है रेल में वो कहलक यहाँ माँ का स्थान है तो आप लोग काहे घर में करते हैं। तब तो जाए के आप देखल ताकल से सब बूढ़ा बन देखल और कहल कि हाँ भाई तो बात सही है तो हमरे आवे है जगह स्थान देव। तो पहले इस जगह में बहुत बड़का विराट गच रहे जेकि कम से कम 3-4 ट्रक विगुर उठ तक इतना बड़का गच रहत रहे और वो गच पत्थर कर अथी में खोह में रहे और जेकर से वो पत्थर के ये विकराटोली कर एक लोहरा रहे से घर टूटा फूटा दिलक तो उकर वजह से उके तकलीफ पड़लक या का अब उकर वर्ष कुल खानदान खत्म है। अच्छा ठीक हाँ जैसे बस यहाँ माँ कर स्थान हल गाँव कर गाँव परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गए। अब सब कोई मिल के यहाँ पूरा गाँव कर और जितना भी जात आई से सबे जात मिल के यहाँ माँ कर स्थान हल पहान के जहाँ त्रिशूल गाड़ ही वो त्रिशूल में जगह पहान कलसा के लानलक और मरालक वह जगह त्रिशूल है। मैं कौशलेश प्रसाद दुबे आचार्य के रूप में 1988 से मेरा कार्यभार यहाँ आरंभ हुआ। उसके बाद 88 से लेके 2020 तक काम होता आया है और हो रहा है और माँ पहाड़ी की कृपा से उनकी शक्ति से कार्य संपन्न कर रहा। अखंड भारत न्यूज के लिए शिवनंदन बड़ाई की रिपोर्ट सिमडेगा।